Hello students, good morning. Welcome to online class of English grammar. Dear students, आज हम लोग पढ़ेंगे future tense के बारे में. आप लोग को मैंने tense के बारे में बताया था. Tense में हमने present tense and past tense के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे future tense के बारे में कि future tense होता क्या है. ठीक है, future tense जैसे हमने present tense में पढ़ा था कि उसकी चार form होती है, past tense में पढ़ा कि उसकी चार form होती है, इसी तरह future tense की भी चार form होती है. ठीक, इसमें future indefinite tense होता है, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में. देखिए क्या होता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को ही सिंपल टेंस कहा जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस कहा जाता है. द फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सम फ्यूचर एक्शन आर इवेंट. मतलब कि इस टेंस का यूज़ क्यों किया जाता है, तब किया जाता है जब हमें फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन या इवेंट को एक्सप्रेस करना, उसके बारे में बताना हो. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज व्हेन वी प्लान और मेक अ डिसीजन. जब ये तब यूज़ करते हैं हम जब अपने फ्यूचर में होने वाले किसी प्लान को हमें किसी प्लान को बताना हो या कोई डिसीजन को बताना हो, यानी फ्यूचर में होने वाले जो डिसीजन हम लेते हैं या होने वाले जो हमारी प्लानिंग होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर आसान लफ्ज़ों में हम समझेंगे कि अगर सेंटेंस में जो फ्यूचर का टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, उसका जो सेंटेंस है यानी वाक्य हिंदी का, अगर उस सेंटेंस के आखिर में गा गी गे ऐसे लफ्ज़ आए तो फ्यूचर टेंस कहा जाता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं जौनपुर जाऊंगी या फिर मैं कल जौनपुर जाऊंगी. ठीक है, इसकी फॉर्मिंग देखिए कैसे बनती है. इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसका रूल जो होता है, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी इसमें भी सेंटेंस हमारे सेंटेंस के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं. पॉजिटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं. इंट्रोगेटिव यानी सवालिया क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं. फिर उसके बाद इंपरेटिव, मतलब अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं. तो इसमें जब हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, कोई भी जब हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव, तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं. तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद विल शैल का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल शैल. ठीक है, विल या तो शैल, एस एच ए डबल एल. ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या समझ में आया आप लोग को कि इस टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें शैल या विल का यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है. ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के साथ हम नॉट फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये विल और शैल जो होता है उसको हम सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, जैसे हम बाकी सेंटेंसेस बनाते थे. ठीक है, हमें उस सेंटेंस को बनाने का जो मेथड है वही सेम यूज़ करना है. यानी अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, निगेटिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट से पहले यानी सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे निगेटिव को दिया है, निगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, विल का यूज़ करना है, फिर नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, समझ में आ गया. अब यहाँ पे दिया है तीसरा वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम विल या शैल जो भी यूज़ करना है हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसको सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है, आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जैसे आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल खेलूँगी. ठीक है, यहाँ पे देखिए कल की बात हो रही है, यानी भविष्य में होने वाले जो काम है उनका जिक्र हो रहा है. दूसरा है आई विल नॉट प्ले फुटबॉल टुमारो. तीसरा है क्वेश्चन सवालिया जुमला, विल आई प्ले फुटबॉल टुमारो. ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है, और इसमें बनाने का मतलब कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इसका भी मेथड दिया है. तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग समझिए. ठीक है, समझ के फिर उसके बाद मुझे सेंटेंस बना के सेंड करिए. आप लोग को सिंपल फ्यूचर टेंस में 10 सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, बना के मुझे सेंड करना है मेरे नंबर पे. ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़.